मैंने देखा छत्रपति की टीजर यार, सही मैंने में ये तो डार्लिंग प्रवास की वो छत्रपति मूवी का ऑफिशियल रीमेक है हिंदी में, और जिसमें एक साउथ के एक एक्टर आ रहे हैं, बिल्लम बिल्लम कुंडा श्रीनिवास। भाई मैं सच बताऊं तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट हीरो है मेरे। इनकी मैं देखा हूँ जय जानकी नायका, फिर वो जो और कौन सा साक्षम तो उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हीरो जबरदस्त हैं। फिर और एक फिल्म था उनका स्पीडी नोडू, एक फिल्म है जो कि मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक जोश वाला हीरो है और देखने में मजा आता है कि नहीं एक कड़क हीरो है, ये विलन के छक्के छुड़ाएंगे। और ये टीजर में भी बिल्कुल झलक रहा है गाइस। देखिए छत्रपति मूवी किस तरह की फिल्म था हमें पता है, और एक्शन यहाँ पे टीजर में दिखाया गया है, और एक्शन में ये चहक भी रहे हैं क्योंकि वही डार्लिंग प्रभास की पर्सनैलिटी के साथ साथ ये भी मैच खा रहे हैं, वही हाइट वही हेल्थ। मतलब बिलम कुंडा श्रीनिवास भी एक लेवल के हीरो हैं, तो एक्शन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है जो भी टीजर दिखाया जा रहा है। खाली टीजर की बात करें तो टीजर बहुत ही ज्यादा क्लासी मासी, बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है सच बताऊं तो, है ना। लेकिन छत्रपति मूवी का सबसे बड़ा मतलब दिल छूने वाली चीज था माँ बेटे का सीन। वहां पे डार्लिंग प्रभास की जो मतलब जो जिस लेवल की एक्टिंग होती है रुला देती है गाइस। मैं अभी अभी एक शॉर्ट वीडियो पे छोड़ा था, मैं दिख रहा था, मतलब रो पड़ोगे आप, उस तरह का एक्टिंग है वहां पे। अगर वो एक्टिंग को भी यहाँ पे बेलम कुंडा श्रीनिवास कैच कर लेते हैं तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा बोल करके, लेकिन रीमेक तो रीमेक होती है। अगर डार्लिंग फैंस इनको सपोर्ट करने लगे और छत्रपति को भी प्यार देने लगे तो फिल्म कमाल कर जाएगी। लेकिन क्या करें यार, रीमेक मूवी का क्या हालत हो रहा है। तो अभी तो भोला मूवी से आप देखे हो, कई सारे विक्रम बेधा में भी देखे हो, है ना। तो रीमेक क्यों बना रहे हैं पता नहीं, वो भी छोड़ो। बेलम कुंडा श्रीनिवास एक टॉप क्लास हीरो है, एकदम से खतरनाक हीरो है, उनको अच्छी अच्छी फिल्में मिलनी चाहिए, रीमेक क्यों मिल रहा है पता नहीं। लेकिन क्या करें, शुरुआती दिनों है उनका, तो वो कोई भी फिल्म मिल रहा है तो वो करना चाहिए, है ना। तो वो कर रहे हैं उनको, लेकिन अच्छी अच्छी फिल्में मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक हीरो, एक बहुत खतरनाक हीरो है, दिल छूने वाले हीरो है, मजा आता है उनको देख करके। तो गाइस टीजर की अगर बात करें तो टीजर लुक्स वेरी पावरफुल और वेरी रावस, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है देख करके। मतलब कुछ नए नए तरीके की एक्शन देखने को मिल रहा है, कोई नए नए तरीके की स्वैग स्टाइल देखने को मिल रहा है छत्रपति से। और इस बार मतलब अपग्रेड हो गई है, छत्रपति मूवी 2005 की थी शायद, और अभी इतने सालों के बाद फिल्म को बना रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से दिखने को कोशिश करेंगे, मतलब 2023 के हिसाब से। तो मजा आएगा वो एक्शन वैक्शन को देख करके, लेकिन छत्रपति जैसा इमोशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर नहीं, वो खाली देखना बाकी है। आपका क्या राय है, छत्रपति मूवी कैसा रहेगा जरूर कमेंट करना। 12 मई को मूवी रिलीज हो रही है बाय द वे, तो जरूर कमेंट करना उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।